यार दोस्तों, मैं डीजे सूरज बिहार से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो यूट्यूब चैनल होते हैं उसको उसमें कैसे लॉगिन होते हैं और उस पर कैसे अपने वीडियो एल्बम में सब कैसे अपलोड करते हैं। कई सारे दोस्त ने मुझे परेशान करके रख दिया है कि बताइए कैसे अपलोड होगा कैसे अपलोड होगा, इसलिए आज मैं उसका ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा वेबसाइट है जो कि इस पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। आप भी इसे जरूर लॉगिन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उससे आपको फायदा ही रहेगा, घाटा नहीं रहेगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे कैसे सॉन्ग अपलोड करना है। सबसे पहले आपको न्यू टैब में आना, उसके बाद में यहाँ पे यूट्यूब लिखना। यूट्यूब खोलने के बाद नेट का प्रॉब्लम है भाई थोड़ा। जब ये यूट्यूब खुल जाएगा, यूट्यूब खुल जाने के बाद में आपको यहाँ पे देख ही रहेंगे, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा टैब जैसा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से इनको सिंक आउट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो अकाउंट में जीमेल पासवर्ड दिया गया है, वो जीमेल पासवर्ड को लॉगिन करना है। तो ये बिल्कुल खुल गया है। खुलने के बाद यहाँ पे साइन इन देख रहे हैं, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जीमेल डालना पड़ेगा ऐड अकाउंट में। अगर पहले से होगा आपका तो डालना नहीं पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पे नया डालने वाला हूँ तो ऐड अकाउंट में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जीमेल मांग रहा है तो यहाँ पे मैं अपना जो जीमेल से खोलना चाहता हूँ वो जीमेल डाल देता हूँ। एक मिनट, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अरे, यहाँ पर जीमेल पासवर्ड डालने के बाद हमें लॉगिन हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। लॉगिन करने के बाद देखिए, ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो मुझे सेव करना, तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ ताकि अगले बार से आपको तकलीफ नॉट रेट ओपन हो जाए। अब यहाँ पे आना दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को देखिए, यहाँ पे आर के बाबू ताजपुर इंटरटेनमेंट के नाम से मैंने चैलेंज एक बनाया था, ये चैलेंज पे मुझे आना है। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, इन पे एक गाना भी चढ़ाया हुआ जिनका 119 व्यूअर भी हो गया है, और गाना का नाम है जाता रे पुजवा छोड़ के चलिए। अब इस पे मैं आपको अपलोड करने के लिए सिखाता हूँ। तो उनका चैलेंज खुल गया जिसमें दो सॉन्ग अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा एरो के जैसा, जिसपे उंगली जाएगा तो अपलोड लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए कि मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी रखे होंगे आप वीडियो, उस वीडियो को आप ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने एक ही ये वीडियो मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ, ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों ये कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर अपलोडिंग 0% बता रहे हैं। यहाँ पर अपलोड होंगे, हो रहे हैं अपलोड। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी देना है दे दीजिए। जैसे मैं अपना suraj.com का वेबसाइट का लिंक देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिंक कॉपी किया और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे गया। यूट्यूब पे जाने के डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे अपना लिंक डाल दिया, यहाँ पे टैग में डाल दिया, मैं अपना लिंक डाल देता हूँ। और आपको यहाँ पे कुछ ऐड आपको मतलब यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐड डाल सकते हैं। यहाँ पे किस पे आप कर सकते हैं, पब्लिक पे कहाँ आपको शेयर करना है, तो मुझे पब्लिक पे ही रहना है। हाँ देखिए, अब मेरा हो गया, यहाँ पर अपलोड हो गया दोस्तों। अपलोड हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए पब्लिश नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए हमारा वीडियो आ गया। अब ये जो क्या चीज़ है, ये आप सीख जाइए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा तीन तरह का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कुछ लेडीज़ का चित्र आ रहा है, तो आपको यहाँ वीडियो में जो आप लिंक शेयर कीजिएगा तो यही दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर अगर ये चीज़ शेयर करवाना है, या ये चीज़ दिखाना है, या फिर ये दिखाना है, इसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा और दिखाते हैं। मुझे यही रहने देना है, तो मैं इसी पे आपको क्या करना चाहता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। तो मैं पब्लिश कर दिया। पब्लिश कर देने के बाद देखिए दोस्तों, उस पर चढ़ गया। यहाँ से आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ये लिंक से आप, ये जो हमारा लिंक यूट्यूब का है, इसको आप अलग टैब में खोल के देख सकते हैं कि आपको चैलेंज में आया कि नहीं आया। और ये आ जाने के बाद में एक चैलेंज जो आपका है, यहाँ पे जाने के बाद फिर अपना फिर से अकाउंट में चले जाना है। करेक्ट स्टूडियो, देखिए वीडियो यहाँ पे हमारा चलेगा जो अभी मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, देखिए।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आना है मुझे। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे चढ़ गया, मेरी वीडियो चढ़ गया, अभी जीरो लाइक कुछ नहीं हुआ है। चलिए वीडियो पे आना है। ये तो मैं आप लोगों को सिखा दिया हूँ कि किस तरह से, एक व्यूअर हो गया अभी मैंने एक देखा, देखिए किस तरह से अपलोड करना है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें ऑडियो कैसे अपलोड करना है। तो ऑडियो के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ऑडियो के तो इसको अपलोड होता नहीं है, ऑडियो के लिए आपको एक ऐप्स आता है उससे अपलोड होगा, नहीं तो फिर आप ऑडियो को वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं सिखाया कि आप अपलोड जाने के बाद वीडियो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि मुझे ऑडियो भी करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक नया टैब खोलिएगा। नया टैब खोलने के बाद में एक ऐप आता है, उनका नाम है, कहाँ गया, मैंने सेव करके रखा था, हाँ मिल गया। ट्विंस टेबल, इस पर आने के बाद में ना यहाँ ये आपको खोलना पड़ेगा अलग अलग। खोलने के बाद में यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्विंस टेबल में आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन सबसे पहले होना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद फिर यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। लॉगिन में जाने के बाद में आपको कौन सा जीमेल अकाउंट था, जो यूट्यूब चैलेंज पे ही, जो जिस पे यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जैसे अभी मान लीजिए जो आर के ताज बाबू क्या था, यहाँ जो इनका चैलेंज था, क्या नाम था इनका चैलेंज का, हाँ आर के बाबू ताजपुर इंटरटेनमेंट जो है, तो इस कौन सा जीमेल पे बना हुआ है, तो ललन यादव करके कुछ जीमेल उस पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उसी वाले को लेना है, देखिए उसी वाले को लेना है, ऑडियो चढ़ाना है ना, तो उसी पे जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसी जीमेल को खोलना पड़ेगा, उसको खोल लिया। खोलने के बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो अगर आपको सेव है, मेरा तो सेव है पासवर्ड, इसलिए नहीं मांगा, अगर आप लोगों को सेव नहीं रहेगा पासवर्ड तो पासवर्ड मांगेगा। उसके लिए पासवर्ड डाले उसके बाद में यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कीजिएगा। अलाउ पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए मेरा आर के बाबू ताजपुर इंटरटेनमेंट, यहाँ पे मेरा लॉग इन हुआ है उसमें, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपलोड फाइल, यहाँ पे MP3 नॉट अपलोडेड, इमेज नॉट अपलोडेड, यानी कि अभी कुछ अपलोड नहीं हुआ है। तो इसके लिए मुझे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद मुझे करना क्या, एक पिक्चर ले लेना है, कोई पिक्चर, जैसे मान लीजिए मैं कि अपना लोगो ले लेता हूँ कोई सा भी, चाहे जैसे मैंने होली का लोगो ले लेता हूँ, होली का लोगो लेकर के मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद में ये मेरा फोटो अपलोड हो गया, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं पसंद नहीं आया तो। अब मुझे क्या कह रहा, इमेज अपलोडेड, इमेज अपलोड हो गया है, अब MP3 नॉट अपलोडेड, यानी कि MP3 अपलोड नहीं हुआ, तो अब मुझे फिर से अपलोड करना है MP3 पे, उसी पे क्लिक करना है, कोई भी गाना को ले लेना है MP3, ऐसा गाना को लेना जो कॉपीराइट नहीं है दोस्तों, अगर कॉपीराइट आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एक दो बार तीन बार तो कंपनी भी माफ करती है, उसके बाद आपको चैनल को करप्ट भी कर सकते हैं। तो आपको चलिए मैं जैसे कि मैं कौन सा ले लूँ जो कॉपीराइट ना आए, कौन सा ले लूँ, ऐसा कौन सा गाना लूँ जिस कॉपीराइट नहीं आया, हाँ एक गाना ले सकता हूँ जो कॉपीराइट नहीं आया, एक ही लोकल सिंगर का है जो कि कॉपीराइट नहीं आ सकता उनका, वही को मैं देखता हूँ चला करके। होली में ना सजानवा, हाँ ये लोकल सिंगर का है, इसको मैं देखता हूँ अपलोड करके, तो शायद कॉपीराइट ना आए, तो ये अपलोड हो रहा दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि MP3 है ना, फोटो तो तुरंत हो गया, वो अपलोड हो रहा है दोस्तों, तब तक आप इधर देख सकते हैं, वीडियो मैनेजर है, यहाँ पे आकर आप डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी वीडियो चढ़ाया, अगर कॉपीराइट लिख दिया, तो यहाँ पे वीडियो मैनेजर में जाना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों वीडियो मैनेजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक कर करके और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा नीचे, डिलीट देखिए यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, अगर कॉपीराइट आए तो उसे डिलीट करके तुरंत हटाने में ही भला है। ठीक है, तो मुझे अभी डिलीट नहीं करना है, इसके बाद मैं छोड़ता हूँ। यहाँ आए दोस्तों, यहाँ आने के बाद ये देखिए मेरा अपलोड हो गया। अब अपलोड हो जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है कि आप टाइटल देना चाहते हैं, तो मैं होली में सजाना, जो भी है लिखा हुआ दे दिया,
हम डिस्क्रिप्शन में आप अपना साइट का लिंक दे सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी कुछ लिख सकते हैं, अपना प्रचार वगैरह कुछ भी यहाँ पे डाल देना है। डाल देने के बाद में टैग में भी, जैसे मान लीजिए मैं डीजे सूरज लिख देता हूँ या मैं अपना वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ टैग में जो टैग रहे, तो जैसे मेरा वेबसाइट है अभी मैं लिख देता हूँ अपना वेबसाइट का नाम सूरज डीजे mix.com, ठीक है। अब उसके बाद में मुझे करना क्या है, यहाँ पे देखिए करेक्ट वीडियो है, तो यहाँ पे मुझे करेक्ट वीडियो पे क्लिक करना। अब यहाँ पर प्लीज वेट फॉर फाइल्स, वेटिंग ले रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा। हाँ देखिए ये हो गया, अपलोड हो गया। अब देखिए कॉपीराइट आता है कि क्या आता है, ये भी मैं आप लोगों को तुरंत दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे, इनका जो यूट्यूब चैनल था इसको कट कर दीजिए, यूट्यूब चैनल यहाँ पे था ना इनका, तो यूट्यूब चैनल पे आने के बाद में मुझे जाना है प्ले लिस्ट पे, नो प्ले लिस्ट वीडियो पे जाना है। अब देखिए ये तो मेरे हमारे आ तो गए हैं, लेकिन मुझे मालूम कैसे चला कि कॉपी राइट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो चलिए मैं इससे एक बार प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद में ये अगर आपको मालूम चला कॉपी राइट है तो आपको जीमेल पे मैसेज कर देगा यूट्यूब की कॉपी राइट है, ठीक है, इसको डिलीट फिर कर दीजिएगा। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, ये तो मेरे ख्याल से तो कॉपी राइट नहीं हुए हैं, ये आपका ऑडियो भी अपलोड हो गया। तो आप लोग दोस्तों ने आप लोग तो सीख लिए हैं कि किस तरह से ऑडियो अपलोड करना है और किस तरह से वीडियो अपलोड करना है। अगर पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों मेरा चल भी रहा है, तो ऐसे ही वीडियो मैं कई तरह का बनाते रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बेल को जो बेल है उस पे क्लिक जरूर कर दे, उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि मैं क्या वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या अपलोड किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।